जनहित आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं इस्तेखार अहमद। दिन भर की कुछ जरूरी खबरों पर एक नजर, लेकिन पहले हेडलाइंस। बृजभूषण सिंह को पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस की तरफ से मिली क्लीन चिट। उत्तराखंड में धार्मिक तनाव बरकरार, उत्तरकाशी जिले से कई परिवारों का पलायन। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में बदलाव। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आग, लगभग 300 प्रतियोगी छात्रों को बचाया गया। मणिपुर में रह कर जारी है हिंसा। अब खबरों का विश्लेषण। बृजभूषण मामले में दिल्ली पुलिस ने आज कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की है। बृजभूषण सिंह पर पॉक्सो केस में दिल्ली पुलिस ने क्लीन चिट दे दी है। दिल्ली पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करते हुए कहा कि इनके खिलाफ पॉक्सो एक्ट केस में कोई सबूत नहीं मिला है और कोर्ट से गुजारिश की है कि इन्हें पॉक्सो केस से बरी किया जाए। उत्तराखंड में पिछले महीने से धार्मिक तनाव बढ़ता जा रहा है। आपको बताते चलें कि पिछले महीने वहां पे एक लव जिहाद का मामला आया था, जिसको लेकर दो समुदायों के बीच तनाव का माहौल बढ़ गया है। ताज़ा हालात बता रहे हैं कि वहां पर धारा 144 लगा दी गई है। हिंदूवादी संगठनों की ओर से आज वहां पे एक महापंचायत का ऐलान किया गया था, लेकिन प्रशासन ने इसको रद्द कर दिया है। यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी में एक बड़ा बदलाव हुआ है। पहले जहां यूट्यूब की मोनेटाइजेशन पॉलिसी के लिए चैनल क्रिएटर को 1000 सब्सक्राइबर और 4000 वॉच टाइम की जरूरत होती थी, अब इसको घटाकर कम कर दिया गया है। अब किसी भी क्रिएटर को यूट्यूब चैनल मोनेटाइजेशन कराने के लिए सिर्फ 500 सब्सक्राइबर्स और 3000 वॉचिंग टाइम की जरूरत होगी। नए यूट्यूबर्स के लिए यह एक अच्छा मौका है, इसमें आप वो अपना कैरियर बना सकते हैं। मुखर्जी नगर के कोचिंग सेंटर में आज दोपहर में आग लग गई थी। बहुमंजिला इमारत में लगभग 300 के करीब छात्र फंसे हुए थे, जिनको रस्सी के सहारे नीचे उतारा गया। फिलहाल पुलिस की रिपोर्ट के अनुसार कोई जान माल की हानि नहीं हुई है, कुछ छात्रों के घायल होने की सूचना है। स्थिति कंट्रोल में है। पिछले कुछ महीनों से मणिपुर के हालात भी काफी चिंताजनक हैं। वहां दो समुदायों के बीच कुकी और मैतेई के बीच हिंसा की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं। आपको बता दें, गृह मंत्री अमित शाह वहां का दौरा कर चुके हैं, जिसके बाद से यह उम्मीद की जा रही थी कि मणिपुर के हालात अब सामान्य हो जाएंगे, लेकिन ऐसा देखने को अभी तक नहीं मिल रहा है।